आज के ताजा समाचार दूध के बाड़े से। जय हो। दंगाइयों और माफियाओं को यूपी पर कब्जा नहीं करना देगी जनता, मोदी। अच्छा, बुनियादी सवालों से बचने के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। अच्छा, सारे ही बोल रहे हैं आप, देश विदेश, खास समाचार आज के। गागर में सागर भर दें। समान नागरिक संहिता का मामला विधि आयोग को सौंपने की तैयारी में सरकार। अच्छा, कश्मीरी पंडितों के लिए 7 साल बाद भी नहीं बने घर, राज्यसभा में उठा मामला। अच्छा, अब देश को याद आ रहे पुराने दिन अधीर। अच्छा, आसंदी टिप्पणी टीम सांसद की टिप्पणी से स्पीकर बिल्ला नाराज। अच्छा जी, यूक्रेन रूस ने अमेरिका से कहा नाटो का विस्तार रोके। अच्छा, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 1800 साल पुरानी बौद्ध कलाकृति मिली। मथुरा क्या कह रहा है और वैसे क्या चल रहा है कुल मिलाकर समाचारों के अलावा भी? चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है तो चुनावों जैसा कुछ अखबारों में नजर आ रहा है क्या मसाला, जितना पाठक वर्ग चाह रहा है? कुछ टाइम रिजल्ट आ जाएगा, कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाएगा। सरकार जो 99% बीजेपी की बननी है। अच्छा, 99% बीजेपी की बननी है। अच्छा, ये आपका आकलन है। और क्योंकि मौत पर मुआवजा कोई खैरात नहीं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये आपका आकलन है या आपकी आस्था है? ये आकलन भी है, आस्था भी चाहते रहिए बीजेपी सरकार बने। हाँ, तो मतलब इसमें मिक्सचर है थोड़ा सा, आपका भाव भी मिश्रित है। चाहते हैं कि सरकार बीजेपी ने विकास कराया जी, देश को काफी आगे ले गए और सरकार को पीछे। अच्छा, ऋतुराज के स्वागत को सज गई ब्रजभूमि, आज मंदिरों में बरसेगा अबीर गुलाल। अच्छा, इस बार सुबह 7 से 6 बजे तक होगा मतदान। हाँ? सुबह 7 से 6 बजे तक मतदान होगा इस बार जी, टाइम बढ़ा दिया जी। अग्र मां शक्ति ने संबसंतुर मचाया धमाल। हाँ, अमोल ने दिखाई सहानुभूति, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का किया प्रयास जी। पुलिस ने चेकिंग में बरामद की 40 लाख की धनराशि। अच्छा, जाति प्रथा से हटकर काम करने वालों को ही वोट दें। हैं? जाति प्रथा से हटकर काम करने वालों को ही वोट दें। ये कौन कह रहा है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की आनंद वाटिका संस्कार में कोई बैठक हुई, उसमें कहा गया। कहाँ पर? मथुरा में जी। अच्छा, वृंदावन, सॉरी वृंदावन में। अच्छा, रजिस्टर के लिए नहीं पहुंचे 42 कर्मचारी, कार्रवाई करें। अच्छा, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च जी। अभी कुछ समस्याएं दे रहा है, समस्या 5 साल से जमा है, नाला घरों में घुस रहा है गंदा पानी, कहीं कॉलोनी पंसी कॉलोनी घटना है जी, वहाँ पर सफाई व्यवस्था ढंग की नहीं है जी। अब आपने ये तो बता दिया कि 99% किसकी सरकार बन रही है, अब ये और बता दो कि मथुरा में कौन कौन जीत रहे हैं आपके आकलन के अनुसार, और अपने मिश्रण को छोड़कर, अपना भाव छोड़कर बिल्कुल, और पार्टी की लीक से हटकर निष्पक्ष विवेचन, चूंकि आप प्रतिदिन अखबार भी पढ़ते हैं, जागरूक रहते हैं, तो आपको क्या लगता है यदि कुछ आपको कहीं पर गड़बड़ दिखता है तो वो भी बिल्कुल साफ बोलिए, जो स्थिति है आज की वो कृपया बताइए आप, क्योंकि T2 भी आ गया है, अब आपका दूध भी तैयार है, जल्दी से। उम्मीद है सर कि बीजेपी सरकार ही बनेगी जी। और मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, 5 सीटों की, हालांकि सीटों पर टक्कर भी रहेगी, बता है, कुछ सीटों पर टक्कर भी है, कुछ सीटों पर टक्कर भी। अच्छा, और कहाँ पर टक्कर नहीं है? जहाँ जानकारी मुझे नहीं, कहाँ कहाँ फिर भी सुनने में आ रहा है कि सीटों में टक्कर है। हैं? एक दो सीटों में टक्कर बता रहे हैं। अच्छा, एक दो सीटों में टक्कर है और बाकी सीटें निकल रही हैं? हाँ, सीटों में ज्यादातर 3 सीट तो बता रहे हैं कि बीजेपी निकाल रही है। कौन कौन सी सीटें निकल रही हैं बीजेपी की? 3 सीटें मथुरा की बता रहे हैं, मथुरा की, छाता की बता रहे हैं, छाता की, बलदेव की, बलदेव की, कंफ्यूजन है, बलदेव में कंफ्यूजन है। और माट में बीजेपी की संभावना है? माट में तो समीकरण कुछ और बोल रहे हैं और वहाँ पे तो
कुछ लोग लाठर का भी बोल रहे हैं, हल्ला है, और जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो भी सशक्त हैं वहाँ पे हमेशा की तरह से। तो फिर आप कह रहे हैं मतलब फिर भी फाइट में आ गया है प्रत्याशी बीजेपी का? अच्छा, और किस किस में टक्कर है वहाँ पे, मतलब माट में? माट में हमारा ये तो संत समाजी है और दूसरे बीजेपी के प्रत्याशी। अच्छा, तो ये है, अब आपने बोल दिया है। और अलावा इसके गोवर्धन में? गोवर्धन की जंगल में। और सपा नहीं है माट में? सपा में कदम टक्कर तो है, टक्कर में है सपा, राहुल और सपा गठबंधन में है, राहुल सपा गठबंधन में है ना। हाँ, तो आप बताओ आपने क्या जाना है इस बीच में, थोड़ा बहुत आपने भी कुछ जाना हो तो वो भी बता दीजिए चलते चलते, कि आज की स्थिति क्या है। बिल्कुल सरकार से अपना जो दुराग्रह है उसको छोड़कर और किसी के भी प्रति कोई आस्था न रखकर, किसी से भी कोई वास्ता न रखकर, केवल एक निष्पक्ष विवेचन हम आपसे चाहते हैं। निष्पक्ष विवेचन ये है कि देखो, मथुरा से कोई भी जीत जाए, हाँ, कोई विधायक बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लखनऊ में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, हाँ। ये निष्पक्ष विवेचन है आपका? निष्पक्ष, कोई भी सरकार कितना भी ताकत लगा ले, चाहे सारी सरकार गठबंधन का जोड़ लगा ले, अच्छा, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। अच्छा, और मथुरा का क्या रहना है? मथुरा का देखो, श्रीकांत की छवि तो खैर ऐसी ही बता रहे हैं, लेकिन कांटा अच्छा बता रहे श्रीकांत और एसके शर्मा के अंतर। अच्छा, और तो पंजा कहीं टक्कर में नहीं है क्या? ना 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 ना, हैं? कहीं नहीं, कहीं नहीं। और सपा भी है? सपा हो या कोई भी हो, लेकिन टक्कर सिर्फ क्या नाम है एसके शर्मा की और क्या नाम है श्रीकांत शर्मा की रहेगी वोटों पर। अच्छा, विधायक कोई भी बन जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, बनेंगे बीजेपी की बनेगी। चलो, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए, बताइए, कुछ कह दो आप जल्दी से। आपको स्टिकर बिल्ली मिले नहीं इस बार चुनावों में, बच्चों को जो मिल जाते हैं? मिले हैं। किस किस पार्टी के मिले हैं? कमल, हाँ, हाथी, हाथी और पंजे की बिल्ले नहीं मिले अभी आपको? हाथ के, हाथ के भी मिले हैं। अच्छा, किसके कितने बिल्ले मिले हैं आपको, दिखाई तो कहीं दे नहीं रहे आपके पास? कमल के तो बहुत ही मिले हैं। कमल के तो बहुत ही मिले हैं, अच्छा, और हाथी के थोड़े से हैं। हाथी के थोड़े से हैं, अच्छा, और हाथ के, हाथ के तो, हाँ, हाथ के तो पांच हैं। अच्छा, उंगली तो दस है आपकी और हाथ के पांच हैं। अच्छा, और हाथी के कितने बिल्ली मिले हैं आपको? दस मिले हैं। अच्छा, और कमल के कितने बिल्ली मिले हैं? बहुत सारे। बहुत सारी, गिनती तो बताओ। तीस। अच्छा, ये है। चलिए, बच्चों को मिले बिल्ले पार्टियों के, और बता रहे थे कितने बिल्ले किस पार्टी के मिले। जय हो, जय हो। मिश्रा जी और डोल रहे हैं उनसे और बोल रहे हैं। मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, पब्लिक बोल रही है कि नहीं बोल रही है ये बताओ आप तो खाली, बस अब तो बोलने लग गई। क्या बोलने लग गई? टक्कर आ रही है, टक्कर आ रही है श्रीकांत और प्रदीप माथुर में। टक्कर आ रही है श्रीकांत और प्रदीप माथुर में, मथुरा में। अच्छा अच्छा, और माट में? माट में राजेश चौधरी बीजेपी और श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा, और लाठर? लाठर तीसरे नंबर पे बोल रही है पब्लिक। अच्छा, पब्लिक तीसरे नंबर पे बोल रही है लाठर को। अच्छा अच्छा, और बताओ, और बताओ, गोवर्धन बताओ। गोवर्धन में तो प्रीतम सिंह आगे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, लोकदल। अच्छा, और बल्ले में भी लोकदल है।
अच्छा, और छाता में? छाता में दोनों में टक्कर है। छाता में टक्कर है, टक्कर है। एक पार अच्छा। में। मथुरा में जो है माथुर और श्रीकांत, हाँ माथुर और श्रीकांत की टक्कर है। अच्छा, और जो हाथी है एस के शर्मा, हाथी तीसरे नंबर पर रहना, हाथी तीसरे नंबर पर रहना है। अच्छा, टक्कर तो इन्हीं दोनों की है, प्रदीप माथुर और श्रीकांत की। अच्छा, अभी तो और दिन पड़े हैं, अभी तो आप देखो अभी पब्लिक फिर बोलेगी। पब्लिक तो अभी तो बोलेगी, 8-10 तारीख तक बोलेगी, आखिर तक बोलेगी पब्लिक। पब्लिक के ही दिन है ये बोलने के। अभी जो बोल रही है बोल बता रहा हूँ समाचार अभी तो। जय हो, आज के समाचार बस इतने ही हैं।